चीन करीब 70 सालों से अपने देश में रह रहे उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। पाकिस्तान सीमा से सटे शिनजियांग प्रांत में बसे ज्यादातर मुसलमानों की इबादतगाह मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट और शराब खाने बनाए जा रहे हैं। रमजान में रोजा रखने पर प्रतिबंध है। कुछ स्थानों पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है और तो और दाढ़ी रखने, बुर्का पहनने और त्योहार मनाने की इजाजत तक नहीं है। अत्याचार का ये सिलसिला पिछले करीब 70 सालों से जारी है, लेकिन ना तो कोई मुस्लिम देश इसके खिलाफ आवाज उठाता है और ना ही इस्लामिक देश पाकिस्तान कभी उइगर मुसलमानों के हक की आवाज उठाता है। पाकिस्तान आखिर इन उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी क्यों साधे रहता है, यही सवाल मौजूदा पीएम इमरान खान के सामने एक बार फिर से उठा। लेकिन इस बार भी वो कभी कश्मीर का बहाना बनाकर तो कभी चीन से मिलने वाली आर्थिक भीख की दुहाई देकर इस मुद्दे पर बोलने से बचते रहे और आखिर में भूगोल का ऐसा ज्ञान दे दिया जिस पर तो पत्रकार को भी हंसी आ गई। दरअसल ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चीन की खैरात पर पल रहा है, इसीलिए जो चीन कहता है पाकिस्तान वही बोलता है। अगर वो कुछ गलत भी करता है तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन के खिलाफ चू भी करते। यही वजह है कि पाकिस्तान उइगर मुसलमानों के समर्थन में कभी भी आवाज नहीं उठाता। लेकिन उइगर मुसलमानों पर बोलने से बचते रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का पाला इस बार अमेरिकी मीडिया एक्सियोस चैनल के पत्रकार जोनाथन स्वान से पड़ गया, जिन्होंने उनकी बोलती बंद कर दी। सवालों की बौछार से घबराए इमरान खान ने पहले तो इस्लामोफोबिया पर ज्ञान दिया और कहा, अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद शब्द प्रचलन में आया। जब आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं तो इसका मतलब पश्चिमी देशों में मान लिया जाता है कि इस्लाम की वजह से कट्टरता आई। 9/11 हमले के बाद जब कोई हमला होता है जिसमें मुस्लिम शामिल होता है तो पूरे 1.3 अरब मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगता है। इमरान खान से जब पूछा गया वो पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया का सवाल उठाते हैं लेकिन चीन के उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार पर कुछ क्यों नहीं कहते, वो भी तब जब उइगर मुस्लिमों का नरसंहार किया जा रहा है। इस पर इमरान खान ने कहा, हम चीन से इस मामले में बंद कमरे में बात करते हैं। चीन हमारा सबसे कठिन समय में सबसे अच्छा दोस्त रहा है। जब हमारी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी चीन हमारी मदद करने आया था। चीन से मिलने वाली आर्थिक भीख का बहाना बना रहे इमरान खान से तुरंत पत्रकार ने सवाल दाग दिया कि इसका मतलब ये है कि चीन आपको पैसे दे रहा है इसलिए आप उइगरों पर हो रहे अत्याचार पर खामोश हैं। इस सवाल पर इमरान खान बगले झांकने लगे। जब अमेरिकी पत्रकार ने उन्हें घेरना शुरू किया तो वो मुद्दों से भटकाने के लिए लगे कश्मीर की रट लगाने। लेकिन इसी दौरान कश्मीर कश्मीर करते करते इमरान खान अपने भूगोल ज्ञान का ऐसा मुजाहिरा पेश कर बैठे कि सामने बैठे अमेरिकी पत्रकार को भी हंसी आ गई। दरअसल इमरान खान बोले, पश्चिम देश कश्मीर में अत्याचार पर क्यों चुप है? इमरान के इस जवाब पर जब उनसे ये पूछा गया कि आपको चीन पैसा दे रहा है इसलिए आप चुप हैं, तो इस पर इमरान बोले, जो मेरे देश की सीमा पर हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। ये बात बोलकर इमरान खान फंस गए क्योंकि सीमा पर मौजूद देशों की चिंता करने की बात बोलने वाले इमरान खान ये भूल गए कि चीन का शिनजियांग प्रांत भी पाकिस्तान की सीमा पर ही है। इसलिए इमरान खान के इस भूगोल ज्ञान पर अमेरिकी पत्रकार को हंसी आ गई, जिसके बाद इमरान खान ने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने देश के हिस्से कश्मीर की बात कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद जब अमेरिकी पत्रकार ने एक बार फिर से इमरान खान से पूछा कि क्या आप चीन के उइगर मुसलमानों के बारे में चिंतित नहीं हैं, तो इस बार भी इमरान खान का यही जवाब रहा कि हम चीन के साथ बंद कमरे में बात कर रहे हैं। अब बंद कमरे में शी जिनपिंग के साथ इमरान खान क्या बात करते हैं फिलहाल ये तो वही जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पाकिस्तान ना तो पिछले 70 सालों में एक बार भी चीन की क्रूरता के शिकार हो रहे उइगर मुसलमानों के हक में लड़ा और ना ही इमरान सरकार उनके समर्थन में है। पीएम इमरान खान तो उइगर मुसलमानों के प्रताड़ित होने की खबरों से भी इनकार करते रहे हैं। बहरहाल चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर इमरान खान ने जो चुप्पी साधी है इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।